हे गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मोर देन 10 टॉप टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन एंड सीक्रेट फीचर्स के बारे में दोस्तों, जो कि Redmi Note 4 पे मैं करके दिखाने वाला हूँ। बट ये जो तरीका मैं बताऊंगा ये सारे Redmi फोन पे काम करेगा, MIUI 9 पे भी और MIUI 10 पे भी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यहाँ क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दें ताकि आने वाले वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहला जो फीचर है वो है हार्डवेयर टेस्ट। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप सेकेंड हैंड फोन लेने जाते हो तो आपको उसके कंपोनेंट की टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है, या फिर आप अपने मोबाइल में ही सारे कंपोनेंट को टेस्ट करने के लिए इस फीचर का यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा, अबाउट फोन में, और वहां पे आप कर्नल वर्जन पे जाना होगा। कर्नल वर्जन पे आप जब 3-4 टाइम्स टैप करोगे तो आपको हार्डवेयर टेस्ट का ये ऑप्शन खुल जाएगा। और इसमें दोस्तों आपको जितने भी हार्डवेयर आपके डिवाइस से कनेक्टेड है इंटरनली, वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे और आप उस पर क्लिक करके उस हार्डवेयर टेस्ट को रन कर सकते हो। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो उस पर टेस्ट रन करने का ऑप्शन आएगा। टेस्ट रन में आपका डिवाइस पास होता है या फिर वहां पे रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा, तो आप हर एक हार्डवेयर कंपोनेंट को टेस्ट कर सकते हो इस तरीके से। अब अगला जो फीचर है दोस्तों वो है फोर्स क्लोज। जी हाँ, अगर कोई एप्लीकेशन आपका रन कर रहा है और वो क्लोज नहीं हो रहा तो आप कैसे उसे क्लोज कर सकते हो फोर्स क्लोज। बस सिंपली आपको करना है क्या दोस्तों, बैक की को लॉन्ग प्रेस किए रहना है। उसके लिए आपको एक सेटिंग करना होगा दोस्तों, जैसे कि मैं ये सारे ऐप अभी ओपन कर दे रहा हूँ। ये सारे ऐप अगर ओपन कर दिया, अब इसमें से अगर मैं किसी भी एप्लीकेशन को बंद करना चाहता हूँ, देखिए इस तरीके से मैं अगर लॉन्ग प्रेस करूंगा बैक बटन पे तो ये फोर्स क्लोज हो जाएगा। कोई भी एप्लीकेशन लॉन्ग प्रेस किया बैक की पे तो ये फोर्स क्लोज हो गया, तो ये डायरेक्ट शॉर्टकट है दोस्तों। तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ एडिशनल सेटिंग पे क्लिक करना होगा। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दोस्तों, बटन एंड जेस्चर शॉर्टकट्स, तो उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों। आपके जितने भी की हैं उन सारी की के आप शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देख लो क्लोज करेंट ऐप है, तो इसके लिए मैंने लॉन्ग प्रेस बैक बटन को सिलेक्ट कर रखा है। इस वजह से कोई भी एप्लीकेशन अगर रन कर रहा है तो उसे मैं फोर्स क्लोज कर सकता हूँ बैक की को लॉन्ग प्रेस करके। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे, टर्न ऑफ स्क्रीन करने के लिए या फिर शो मेनू करने के लिए, ओपन स्प्लिट स्क्रीन, सब के लिए आप की के कॉम्बिनेशन को शॉर्टकट की तरह यूज कर सकते हो। ये आपको पहले सेट करना पड़ेगा। अगला जो फीचर है दोस्तों वो है कैमरा शटर। दोस्तों ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि अगर आप कैमरा जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपको एक शटर बटन दिखता है यहाँ पे। वैसे तो कैमरा से पिक लेने का तीन तरीका है दोस्तों, आप वॉल्यूम बटन से भी कर सकते हो, शटर पे क्लिक करके भी कर सकते हो, और आप फिंगरप्रिंट यूज करके कर सकते हो। बट ये जो तरीका है दोस्तों आप देख रहे हो, ये शटर बटन कहीं पे भी स्क्रीन पे आप प्लेस करके पिक को क्लिक कर सकते हो। पिक ही नहीं दोस्तों, इवन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। सिंपली आपको करना क्या है, आपको सिंपली शटर बटन पे फिंगर को स्लाइड करना है बाहर की तरफ, और जैसे ही बाहर की तरफ करोगे तो ये एक शटर का बटन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, और इस शटर पे क्लिक करके आप कहीं पे भी रख के क्लिक करोगे तो इस पे पिक्चर भी आ जाएगा और रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से देखिए वीडियो भी आ गया, वीडियो मोड में भी अवेलेबल है। आप कहीं पे भी रख कर इसे क्लिक करोगे ये रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया। ये देखिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया और वापस से इसी से पॉज भी हो गया। इस तरीके से आप भी कर सकते हो। बस सिंपली आपको शटर बटन से स्लाइड करना है फिंगर को, ये बिना प्रेस किए दोस्तों, सिर्फ ऊपर की तरफ आप स्लाइड करोगे ये बाहर आ जाएगा शटर बटन। अब बढ़ते हैं अगले फीचर्स की तरफ। तो जो अगला फीचर है दोस्तों वो है इरेज अनवांटेड थिंग। दोस्तों जनरली होता क्या है कि अगर हमारे पास कोई पिक होता है, अगर उसमें से कोई अनवांटेड चीज को आप अगर डिलीट करना चाहते हो तो हमें फोटोशॉप की जरूरत पड़ती है। बट ये MI में दोस्तों बाय डिफॉल्ट फीचर है। कोई पिक ओपन करो गैलरी से और यहाँ पे इरेज का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे और आपको बस वो अनवांटेड थिंग्स को आपको पिक्चर से सेलेक्ट करना है, और ये देखिए गायब हो गया। और यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा दोस्तों कि यहाँ से कुछ डिलीट किया हुआ है। ये कंटेंट अवेयर की तरह बिल्कुल, फोटोशॉप में कंटेंट अवेयर ऑप्शन होता है दोस्तों, ये काम उससे होता है। सपोज ये पिक है, इस पिक से मैं इस कैप को गायब करूंगा तो ये देखिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है एडिट पे और इरेज पे जाकर इस कैप को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से, और ये देखिए लग ही नहीं रहा दोस्तों कि यहाँ पे पहले से कोई भी चीज था। तो इस तरीके से आप भी डिलीट कर सकते हो और फिर इसे सेव कर लो। अब हमारा जो अगला फीचर है दोस्तों, फ्लैश इन HDR मोड। दोस्तों आप सबको पता होगा कि अगर आप कैमरा में HDR मोड इनेबल करते हो तो फ्लैश हमारा डिसेबल हो जाता है, और अगर फ्लैश को इनेबल करोगे तो HDR मोड डिसेबल हो जाता है। तो अगर आप चाहते हो HDR मोड में भी फ्लैश ऑन करना तो आप HDR मोड को ऑन कर दो और ऊपर नोटिफिकेशन से आप टॉर्च बटन पे क्लिक कर दो, तो आप यानी कि सिंपली HDR के साथ आप फ्लैश का भी यूज कर सकते हो और इस तरीके से ले सकते हो। देखिए ये HDR में लिया गया पिक है जो कि फ्लैश के साथ है। अब हमारा जो अगला फीचर है दोस्तों,
ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग। दोस्तों बहुत सारे लोग को जरूरत पड़ती है किसी नंबर का या फिर सारे कॉल को रिकॉर्ड करने के लिए, उसके लिए आप वो एक्सटर्नल एप्लीकेशन रखते हैं, बट Hemi में ये डिफॉल्ट फीचर दिया गया है, आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हो। यहाँ से आपको डायलर में जाना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप रिकॉर्ड कॉल ऑटोमेटिकली ऑप्शन को इनेबल कर दो तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऑल नंबर या सेलेक्टेड नंबर। आप चाहो तो किसी एक इंडिविजुअल नंबर के सारे कॉल डिटेल को रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर जितने भी कॉल आएंगे आप सबको रिकॉर्ड कर सकते हो ऑल नंबर पे क्लिक करके। और अगर चाहो तो आप अननोन नंबर्स का या कस्टम लिस्ट तैयार कर सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, तो आप जो अपने हिसाब से चाहे वैसे सेटिंग कर सकते हैं। अगला फीचर है दोस्तों चेंज डायल पैड ट्यून। बहुत लोगों को यहाँ पे जो होता है दोस्तों डायल पैड ट्यून जो होता है वो डिफरेंट होता है जब बाई डिफॉल्ट, उसी से आप पियानो की ट्यून में चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है कॉल लॉक्स के यहाँ पे, और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको एक एडवांस सेटिंग दिखेगा, उसके बाद यहाँ पे डायल पैड टोन्स में आपको जाना और यहाँ पे आपको पियानो की सेलेक्ट करना है। मैंने कर रखा है इस वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन आने तो बाय डिफॉल्ट रहता है ये। अब अगला जो फीचर है दोस्तों वो है स्क्रीनशॉट। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना तो सभी जानते हैं, Hemi में आप वॉल्यूम बटन डाउन और पावर की से भी ले सकते हो और सिंपली आप थ्री फिंगर को स्लाइड करके भी ले सकते हो, बट ये स्क्रीनशॉट जो होते हैं दोस्तों वो जितना का स्क्रीन होता है बस उतना ही का स्क्रीनशॉट होता है। अगर आप चाहते हो लॉन्ग कन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट लेना या फिर एक आपका कोई पैसेज है जो कि काफी लंबा है उस तरीके का स्क्रीनशॉट लेना, तो इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और उस पे इस आइकन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे स्क्रॉल बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए इस तरीके से ये स्क्रॉल होने लगेगा स्क्रीन, और जहां पे तक आपको चाहिए वहां पे आपको डन प्रेस कर देना है। तो इस तरीके से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये देखिए इतना लंबा स्क्रीनशॉट लिया गया है और इसकी इमेज क्वालिटी भी काफी अच्छी है। अब जो अगला फीचर है दोस्तों वो है रिसेंट ऐप स्विच। तो दोस्तों ये Hemi में बहुत कम लोगों को पता होता है कि आपने रिसेंट में ऐप खोल रखा है बहुत सारा, तो आप दो रिसेंट ऐप्स के बीच में इस तरीके से स्विच कर सकते हो। ये करते कैसे दोस्तों, आपको रिसेंट बटन पे डायरेक्ट डबल टैप करना है दोस्तों, डबल टैप 2-3 times आप टैप करोगे तो इस तरीके से आप रिसेंट ऐप के बीच में स्विच कर सकते हो। अगला जो है वो है दोस्तों शो एंड हाइड मेमोरी स्टेटस। दोस्तों यहाँ पे आप रिसेंट बटन पे क्लिक करके आप देखते होंगे, देखिए यहाँ पे मेमोरी स्टेटस दिखा रहा है, तो अगर आप में नहीं दिखा रहा है या फिर आप अगर आप में दिखा रहा है और आप हाइड करना चाहते हो या शो करना चाहते हो, अगर नहीं दिखा रहा है तो आपको सिंपली लॉन्ग प्रेस करना है, सेटिंग्स पे क्लिक करके मोर पे जाना है और यहाँ पे ऑप्शन आएगा शो मेमोरी स्टेटस, इस ऑप्शन को आप इनेबल या डिसेबल कर दो। अगर डिसेबल कर दोगे तो यहाँ से देखिए मेमोरी स्टेटस अब दिखना बंद हो गया है। अगर आपको फिर से इनेबल करना है उस ऑप्शन को तो मोर पे जाना है और शो मेमोरी स्टेटस को इनेबल कर देना है, इससे आपका मेमोरी स्टेटस यहाँ पे शो करने लगेगा दोस्तों। नेक्स्ट फीचर जो है दोस्तों वो है ऐप वॉल्ट। देखिए ये ऐप वॉल्ट Hemi में अब देने लगा है MIUI 9 के अपडेट के बाद। तो दोस्तों इस ऐप वॉल्ट को अगर हटाना चाहते हो तो आपको लॉन्ग प्रेस करना है डेस्कटॉप पे और सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे क्लिक करके ऐप वॉल्ट को टर्न ऑफ कर देना है। यहाँ पे देखिए अब टर्न ऑफ कर रहा है, तो अब अगर स्लाइड करता हूँ साइड में तो ये देखिए इधर से ऐप वॉल्ट हट चुका है, अब इधर स्लाइड नहीं हो रहा। वापस से अगर इसे इनेबल करना है तो आपको सेम यहाँ सेटिंग्स में जाना है, मोर पे जाना है और ऐप वॉल्ट को इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इनेबल करोगे वापस से यहाँ पे ऐप वॉल्ट आ जाएगा, ये देखिए ऐप वॉल्ट आ गया। अब दोस्तों जो अगला फीचर है वो है वॉलपेपर स्क्रॉल। तो दोस्तों इसमें होगा क्या कि अगर आप चाहते हो वॉलपेपर को स्क्रॉल करना तो यहाँ से आपको वॉलपेपर में सिलेक्ट करना है, वॉलपेपर में जाना है, वॉलपेपर में जाने के बाद वॉलपेपर एक बार क्लिक करना है तो ऊपर में दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो वॉलपेपर स्क्रॉल का ऑप्शन आया। जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो ये आप हर पेज के साथ ये वॉलपेपर स्क्रॉल होने लगेगा। अगर इसे आप डिसेबल कर दोगे तो आपका वॉलपेपर स्टैटिक रहेगा और आपके सिर्फ आइकन्स मूव करेंगे। यहाँ पे मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ वॉलपेपर, इसे देखिए सेट एज वॉलपेपर कर रखा है, पेज के साथ दोस्तों वॉलपेपर भी स्क्रॉल हो रहा है। और दोस्तों एक और जो फीचर है उस पर मैंने वीडियो बना रखा है कि आप Hemi में कैसे आप किसी भी फाइल और फोल्डर को हाइड कर सकते हो बिना एक्सटर्नल ऐप के मदद से, तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, तो वहां से आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।